ये जो वीडियो है ये ईद फेस्टिवल के रिलेटेड है, और मैंने इसलिए इसके पहले क्लिप्स डाले हैं, लाइक पिक्स डाली हैं, ताकि आप लोग देख लें इसके अंदर क्या क्या होगा। इसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लाइक मेहंदी स्टॉल्स, ईद के कपड़े, खाना, पाकिस्तानी फूड, गोरों का फूड, बहुत कुछ। बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुछ रंगोली भी बना रहे थे हाथ से, और इस तरह इतना कुछ था, और गेम्स, केक, ये वो। इसलिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो होने लगी है स्टार्ट। मैंने बहुत कुछ कैप्चर किया है इसके अंदर, जो कि आपको देख के मज़ा आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट, रेडी हो जाइए मेरी वीडियो देखने के लिए। और क्लिप्स इसलिए डाले हैं ताकि आप लोग देख सकें कि आप लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। आई थिंक वर्थ इट है आप लोगों के लिए देखना, बिकॉज़ इसके अंदर यहाँ पे यूके में ना इस तरह के नहीं लगते ईद फेस्टिवल, या इस तरह कुछ भी नहीं होता। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा, मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा था। इतने सारे ईद के मतलब पाकिस्तानी ड्रेसेस थे, पाकिस्तानी फूड था, म्यूज़िक था, क्वाली हो रही थी लाइव, तो बड़ा ज़बरदस्त है। सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों को पता है ये पार्क मेरा कितना फेवरेट है। एक तो घर के पास है, ऊपर यहाँ पे हो रहा है ईद फंक्शन फेस्टिवल हो रहा है, वो देखो। चलते हैं इनसाइड, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर, यूके में ईद फेस्टिवल। वाह वाह, ये आप लोग देख सकते हो कितना रश है, कितनी गाड़ियाँ इनसाइड खड़ी हैं पार्क में। जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया होगा ना, उनकी होंगी, क्योंकि वैसे तो इनसाइड खड़ी करने की परमिशन नहीं होती। यहाँ पर था फुटबॉल से रिलेटेड, और ये देखें बग्गी सी, जिसपे वो ना झूले ले रहे थे लोग, बुज़ुर्ग थे, उनको बाहर तक ड्रॉप किया जा रहा था, उनकी गाड़ी तक, या वैसे बच्चे वगैरह इंजॉय कर रहे थे। ये बाकी सारे स्टॉल्स हैं, रश था और फुल क्राउडेड था, जिसकी वजह से मैं फिर वॉइस ओवर उस वक्त नहीं कर सकी, अब कर रही हूँ। और देखें यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स हैं इसके अंदर कुत्तों का तो, यहाँ पे डॉग्स का तो बहुत सीन है, हर किसी के पास होते हैं। तो फुल जो पार्क होता है ना, वो मोस्टली उससे ही भरा होता है। तो पाकिस्तानी ये ड्रेसेस सारे लगे हुए थे, उनकी रेंज भी इतनी चीप लगाई हुई थी, इतने कोई एक्सपेंसिव नहीं थे। आइसक्रीम का खाना ट्रक पीना इसलिए था, गोरों का रखा हुआ और है। साथ केक, और ये स्टॉल्स के कलर्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, जो उन्होंने थीम बनाया हुआ था। ये देखो अभी इन्होंने कैसे डेकोर करके किया हुआ है, ऐसा लगा किसी की बर्थडे हो रही है, बर्थडे पार्टी हो रही है। आइसक्रीम के इस तरह स्टॉल्स थे, और कॉफ़ी, कॉफ़ी जाहिर ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर रहने वाले लोग कॉफ़ी और ये शराब वगैरह, पाकिस्तानी तो उसके स्टॉल्स तो होते ही ड्रेसेस, होते हैं, वो तो मस्ट है यहाँ पे ईद के लिए। ये देखिए ड्रेसेस, पाकिस्तानी ड्रेसेस सारे लगे हुए थे, जो कि बहुत, ये चीज़ डिफरेंट कलर की, डिफरेंट टाइप की पड़ी हुई थी, जो कि उन्होंने खुद बनाई होगी ना वहाँ पे, जो मतलब फुल फार्म से बनी होती है, वो वाली चीज़ थी। यहाँ पे खाना रेडी हो रहा था, जो कि पाकिस्तानी खाना नहीं था, हलाल फूड नहीं था, जो कि उन लोगों के लिए था जो कि दूसरा खाना खाते हैं, गोरे लोग। सो दैट्स वाई। और यहाँ पे क्वाली फुल हो रही थी, लेकिन मैं अब उसको ऐड करूँगी तो आपको पता है कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, तो वो मुझे करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखो चूड़ियाँ, बैंगल्स, पोनियाँ, हेयर बैंड, सारा कुछ ना, स्कार्फ्स बहुत सारे बड़े हुए थे, जो कि पता है कि पाकिस्तानी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने रखे हुए थे। और ये इन्होंने केक और कुकीज़ और इसके ना पेस्ट्रीज वगैरह की होती है कुछ ना ज़्यादा, इस पे ना स्टॉल्स पे जो उन्होंने खेत में चीज़ें बनाई होती है ना मोस्टली, जैसे जाम, जैम, और साथ उन्होंने हनी, वो चीज़ें, वॉशरूम का सेट भी, सेटअप भी किया हुआ था साथ इन्होंने, वो तो हर जगह इन्होंने पार्क में किया होता है ताकि बच्चों को जाना हो। तो ये काउंसिल लाइब्रेरी का बता रहे हैं, और ये पुलिस, शूटिंग भी कर रहे हैं कि भाग जाओ पुलिस ऑफिसर। अच्छा, सोना 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 सोना
उस स्टॉल में मेहंदी लग रही है, यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कुछ इस तरह स्टॉल्स में, ये सारे इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और डाउन इधर जा कर देखना पड़ेगा। पाकिस्तानी खाना लेने के लिए क्यू 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 क्यू। समोसा, पकोड़ा वो पैक कर रही है। वेजिटेबल समोसा एंड चना चाट। ग्रीन हाँ जी हाँ जी। ये कितना प्यारा ना, इन्होंने दीवार पे सेट किया हुआ है सारा। जो भी इवेंट होता है ना यहाँ पे, एम्बुलेंस सर्विस का सारा सेटअप ज़रूर होता है, और उन्होंने अपने लाइक एम्बुलेंस वाले भी सारे उधर बैठे होते हैं, ताकि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होए या किसी का बच्चा गुम हो जाए तो उसको ढूंढने में मदद करते हैं। और साथ पानी के लिए भी देखो, कोई नहीं के पैसे लगेंगे, उसके लिए फ्री पानी भी दे रहे थे लोगों को अगर किसी ने पीना है तो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र वाले थे ना, वो भी सारे बैठे थे, मतलब खड़े थे, और उनके ना टैटू थे लेग्स पे ना, पर वो भी कैप्चर कर रही थी। और साथ उधर भी एक दो बैठे थे जो टैटू से भरे हुए थे। ये देखो बच्चा कितना क्यूट और मज़े से जा रहे हैं। अमीरों के चोचले ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, ये बच्चे खेली जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारी गेम्स रखी थी, लाइक वो एक गिफ्ट है उसको सारे एक दूसरे को पास करो, जिस पे वो गेम रुकती थी, फिर वो बच्चा वो गिफ्ट ओपन करता था, फिर आगे आगे आगे, और फिर साथ वो कहते थे बच्चे जो है ना वो कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखाएं, फिर उनको बलून्स या कुछ इस तरह कुछ ना कुछ गिफ्ट देते थे।
कॉटन कैंडी भी मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह बनते हुए देखी थी, मैंने इसलिए कहा आप लोग भी देख लें। तो आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि मुझे भी वहाँ पे बहुत मज़ा आया। सो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।